हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप लोग 300 तक स्पेशल टाइप के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस ट्रिक का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस ट्रिक को सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, इनका तो स्क्वायर हम लोगों को याद ही होगा। हाँ, सही है, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े नंबर्स हैं और इनका स्क्वायर हम लोग उसी ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे। जैसे वन नाइन एट एट वन, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने कितनी जल्दी इस सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब इसके पीछे जो ट्रिक है वो हम लोग अब सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इस दोनों नंबर यानी यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो वन इंटू वन हमेशा क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ हो गया वन, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचता है तो यहाँ क्या है, टू है और टू है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। टू प्लस टू, तो टू प्लस टू क्या होता है, फोर, तो फोर यहाँ हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। पहले ऐड करना था, अब प्रोडक्ट निकालना है। तो टू इंटू टू क्या होता है, फोर, तो यहाँ हो गया फोर। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 441। सेम यही चीज़ करना है यहाँ, वन इंटू वन हमेशा क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो वन यहाँ लिख दिया और इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, थ्री और थ्री, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, यहाँ सिक्स हो गया। और उसके बाद इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री इंटू थ्री नाइन, तो ये हो गया नाइन, ठीक है। तो जब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नहीं देखेंगे तब तक आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए कि वन इंटू वन, तो यहाँ हो गया वन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नंबर का सम क्या होगा, फाइव और फाइव टेन होता है, ठीक है। तो फाइव प्लस फाइव टेन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन नहीं लिखेंगे बल्कि टेन का ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइव इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव क्या होता है, ट्वेंटी फाइव, तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव और प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, तो टू सिक्स ज़ीरो वन, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह यहाँ तो वन होगा, ठीक है। उसके बाद एट और एट का सम क्या होता है, सिक्सटीन, तो सिक्सटीन का हम लोग सिक्स लिखेंगे, वन कैरी रखेंगे, और एट इंटू एट होता है सिक्सटी फोर, तो सिक्सटी फोर और वन वो ये वाला जो कि कैरी हुआ था, तो सिक्सटी फाइव। उसी तरह क्या करना है, वन इंटू वन, ये यहाँ तो वन होना है, ठीक है। उसके बाद फोर्टीन और फोर्टीन, ठीक है, ट्वेंटी एट होता है, तो ट्वेंटी एट का एट यहाँ हम लोग लिख दिए। और उसके बाद फोर्टीन और फोर्टीन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो फोर्टीन का स्क्वायर हम लोग जानते हैं वन नाइन सिक्स होता है, और ये वाला टू ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन नाइन एट, ठीक है। उसी तरह वन और वन, वन होना है, ठीक है, और सिक्सटीन और सिक्सटीन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 का 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और इसमें 3 ये वाला ऐड करेंगे तो हो जाएगा 259, तो यहाँ हम लोगों ने 259 लिखा, ये हो गया 25,921। सेम वही करना है, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है, 21 और 21 42 होता है, 42 का 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 21 और 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, यहाँ देख लीजिए 441।
और ये वाला 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 445 आ गया। इसी तरह 1 × 1 और 27 27, ठीक है, तो 54 का 4 यहाँ लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब 27 और 27 का प्रोडक्ट यानी 27 का स्क्वायर 729 और ये वाला 5 इसमें ऐड करेंगे तो 734, ये आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है। इसी तरह 1 × 1 1, ठीक है, उसके बाद 29 29 होता है 58, इन दोनों को जोड़ना है तो 58 का 8 कैरी 5 बच गया नहीं, और उसके बाद 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841 और इसमें 5 ऐड करेंगे कैरी वाला तो 846, तो ये 846। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और कोई भी नंबर इस तरह का अगर रहेगा तो उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बोर्ड एग्जाम्स, इंट्रेंस एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।